एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हेयर स्टाइल की वीडियोस लेकर आ रही हूँ, तो जिसके लिए बालों का हाईलाइट और कलर होना काफ़ी जरूरी है अगर हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे से दिखे उसके लिए। तो मेरे हेयर काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने कलर नहीं किया है और मेरे हेयर काफ़ी ब्लैक हो चुके हैं, जो भी न्यू हेयर निकले वो सब ब्लैक हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं काफ़ी लंबे टाइम से कलर करने का सोच रही थी, बट लॉकडाउन की वजह से कलर मिल ही नहीं रहा था, बट मुझे अभी कलर मिल गया है। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड पे अप्लाई किया था, उनके हेयर काफ़ी अच्छे डार्क बर्गंडी कलर गोल्डन कलर के हो गए थे, बट मैंने उनको फिर से ब्लैक कलर लगाया और वो ब्लैक हो गया, क्योंकि उनको नहीं पसंद है, उनके फेस पे नहीं सूट करता है। बट मुझे डार्क गोल्डन कलर का हेयर चाहिए था, उसके लिए मैंने ये गार्नियर का हेयर कलर लिया है। गार्नियर नेचुरल हेयर कलर है, जिसका नंबर है गोल्डन ब्राउन 7.3, और इसको मैं यूज़ करने जा रही हूँ। तो आप लगाइएगा तो ग्लव्स लगा लीजिएगा, मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं है, तो इसको मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी। तो इतना मैंने इसमें से हाफ ऑफ अपने हेयर के हस्बैंड के हेयर पे अप्लाई कर दिया था, तो उसको मैं एक आज के बाउल में इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। पूरा मैं इस तरीके से निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हो, इसको मैं पूरा एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। ये हमारा अल्ट्रा कलर है, कलर इंट ये वो है, तो इसको पहले मैं निकाल ले रही हूँ। और जितना आप आपके बाल अगर बहुत छोटे हैं, आप बॉयज हो, तो इतने में आपके पूरे बालों पे अच्छे से हो जाएगा, मतलब एक फाइल में आप दो बार यूज कर सकते हो अगर आप बॉयज हो, छोटे छोटे बाल रखे हैं आपने तो। और अगर गर्ल्स हैं तो आप दो फाइल ले सकते हैं, अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसमें कलर ले सकते हो। तो ये मैंने निकाल लिया है। दूसरा वाला फाइल भी मैं ओपन कर रही हूँ और उसको भी निकाल लूँगी। चाहे पहले मैं इतना ही अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे के बालों में मेरे काफ़ी अच्छे कलर हैं, उसको मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लूँगी। ये अभी न्यू पैक है, ये 2021 में ही बना है अभी गार्नियर का। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी अप्लाई कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा। तो इसको ये देखिए, कुछ इस तरीके का कलर आ गया है। अभी मैं अपने फ्रंट के बालों पे अप्लाई करूँगी इसको नीचे वाले बालों पे, मेरे काफ़ी अच्छा कलर है, तो मैं नीचे पे अप्लाई नहीं करूँगी, ऊपर ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको पूरी लेंथ में अप्लाई करना है तो आप दोनों पैकेट ले लीजिएगा। अब इसको मैं अच्छे से ब्रश की मदद से अपने बालों पर अप्लाई करूँगी। बहुत ही हार्ड स्मेल है, अगर आपको इसकी महक बर्दाश्त नहीं होती है तो आप मास्क वगैरह लगा लीजिएगा, बहुत ही हार्ड महक है, क्योंकि जो इसमें एक्टिवेटर होता है, जो मैंने पहले अप्लाई किया था कलर और फिर अल्ट्रा कलर डेवलपर जो है वो बहुत ही, ये डेवलपर है और ये जो कलर था ये काफ़ी हार्ड महकता है। जैसे कि मैंने ब्लीच से भी बालों को हाईलाइट करने का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो हेयर स्टाइल के लिए बालों में इस तरीके का कलर वगैरह यूज करने से काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल दिखता है, लुक अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं अपने बालों का कलर कर रही हूँ। वैसे मुझे कलर वाले बाल बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं करती रहती हूँ, मुझे ब्लैक हेयर उतने अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरीके से मैंने लगा लिया है, आप कोशिश कीजिए कि कॉम का यूज़ करें, ज़्यादा हाथ ना लगाएं। इसी तरीके से इस साइड भी पहले मैंने बीच की मांग इस तरीके से निकाल के और फिर कलर कर लिया था, कि जब मैं कभी बीच की मांग निकालूँ तो मेरे कलर ऊपर से दिखे। आप किसी की हेल्प लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पे खुद से ही लगा रही हूँ। मेरे यहाँ के हेयर काफ़ी वाइट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कलर अप्लाई कर ले रही हूँ।
अगर आपने मेहंदी वगैरह लगाया तो हो सकता है कि एक बार में आपका कलर ना आए। मैंने हमेशा से कलर ही किया है, मेहंदी वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बैक साइड में भी जो हेयर बढ़े हैं उसमें तो मेरे इस तरीके से मैंने पूरे बालों में कलर अप्लाई कर लिया है। नीचे की लेंथ पे मैं नहीं लगा रही क्योंकि नीचे की लेंथ पे कलर हैं अभी बालों में। इसको लगाने के बाद से मैं अच्छे से कॉम कर लूँगी बालों में और इसको आधे घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे में बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा, अच्छे से कॉम कर देंगे ताकि सारा कलर अच्छे से बालों में मिक्स हो जाए। और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे इसको। आधे घंटे के बाद से नॉर्मली आपको इसको पानी से वॉश कर लेना, शैम्पू यूज नहीं करना है, शैम्पू अप्लाई नहीं करना है। 24 घंटे के बाद आप शैम्पू अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वॉश करके फिर मिलते हैं और थोड़े आधे घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ कि कलर कैसा आया हुआ है। ये बालों में अच्छे से कलर आ चुका है मेरे। मैं यहाँ पर रोशनी में आके दिखा देती हूँ आपको। अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ और फिर आप लोग के साथ आप लोग को दिखाती हूँ फाइनल लुक। ओके गाइस, ये देखिए अच्छे से मेरे बालों में पूरा कलर आ चुका है और अभी जस्ट मैंने बाल वॉश किए हैं, बाल अभी सूखे भी नहीं है मेरे। तो और ये सूखने के बाद से गोल्डन कलर में आ जाएगा। और रेगुलर आप मेरे चैनल पर बने रहते हो तो आई होप आपको दिखता ही होगा मेरे हेयर का कलर और आगे आगे आपको इसका कलर भी पता चलता रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, हेयर स्टाइल की अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल बनाओगे तो भी आपका कलर दिखेगा, 20 से मांग निकाल के बनाओगे तो भी आपका कलर दिखेगा क्योंकि मैंने आपको कलर अप्लाई करके दिखाया ही था। तो ब्लैक से मेरा इस तरीके का कलर आया है, और ज़्यादा टाइम लगती तो और अच्छे से कलर आ जाता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं। बाय बाय।